इंसानों ने घर बनाने के लिए जंगल नष्ट किए, कुछ इंसानों ने जंगली जानवर की शिकार की, इसलिए लेपर्ड के पास खाने के लिए ऑप्शन नहीं बचा, तो वो कुत्ते बिल्लियां मुर्गियां इनके ऊपर डिपेंड रहने लगा। अभी खाने का तो इंतजाम उसने कर लिया, पर अभी रहेंगे कहाँ? तो उसने शुगर केन चूज किया। शुगर केन क्यों? क्योंकि शुगर केन घने होते हैं, बड़े होते हैं। तो उसने अपने बच्चों को ये बताया कि पहले मैं तुमको सुअर डियर खिलाती थी, अभी तुमको कुत्ते बिल्लियां ही खाना पड़ेगा और यही तुम्हारा खाना है और यही तुम्हारा घर है। तो ऐसी पीढ़ियां लेपर्ड की पैदा होने लगी शुगर केन में और एक नई कंसेप्ट उभर के आए, उसको हम बोलते हैं शुगर केन लेपर्ड। शुगर केन लेपर्ड एक अलग लेपर्ड नहीं है, वो सिर्फ सेम लेपर्ड का डिफरेंट हैबिटेट है। तो जब एक खतरनाक जानवर आपका पड़ोसी बन गया तो इंसानों को दिक्कत होने लगी। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली 100% इंसान की गलती है, 100% लेपर्ड की गलती है, तो इसलिए हमको बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता है सावधानी। ये सावधानी क्या है और हमने शुगर केन में कैसे लेपर्ड को ढूंढा, इसको जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए।